वो गया था पोका लाने, वहां से तीन खड़े हैं। क्या जी ऐसी फिर रहे ना तो वो तो सबका पता है कि गौशाला बनवाना चाहिए सरकार का, अपन के पास इतनी तो हम हिम्मत है ना कि गौशाला बनवा दें। तो सरकार कहां बना रही है, सब भैया बजट खा जा रहे हैं। ये भी देख रहा हूँ मैं, घर जा तो रहा हूँ लेकिन अभी आऊंगा, देखो बता रहा हूँ सब खाएगा यार। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और अभी हम आए हैं अपने खेत में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डंगर हैं, जो डंगर हम दलाने आए हैं। क्यों बेटा, अभी शायद थोड़े दिख नहीं रहे हैं लेकिन अभी दूसरा चक्कर आऊँगा, एक चक्कर और आऊँगा तब दिखाता हूँ। देखो भैया, कोई मुझसे कहो कि तुम्हारे खेत में घोड़ी रुकी पड़ी है इनकी, ठीक है, जो बहुत सारे हैं। और मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, देखो भैया आप मेरे खेत में दिख बच जाइयो, और जो तुम जितो भी खाए हो ना, और जो तुम्हें पचेगो ना, बता दे रहा हूँ मैं, कान खोल के सुन लियो, पचेगो ना। और गोबर गोबर तक ले गए हैं, पचेगो ना और हम जाएंगे। और वो पता है बेटा तुम क्या कह दोगे कि तुम जाओ बेटा घर है और हम तुम्हारे खेत में फिर से। ये भी देख रहा हूँ मैं, घर जा तो रहा हूँ लेकिन अभी आऊंगा, देखो बता रहा हूँ सब खाएगा यार। अब उनको बीच हार में, यहाँ हमारा खेत है, ये यहाँ पे है, ये मोटरसाइकिल जा रही यहाँ पे। और ये देखो, अरे बहन की देखो कितने हैं, बहुत हैं। अभी भी तो मैं इनको वार्निंग दे के गया था कि आना मत, लेकिन फिर भी ये आ गए। मुझे पता था क्योंकि वो देख रहे थे मुझे, और मैं कार में साउंड बजा रहा था, गीत बजा रहा था अपनी मगन से। अब भैया बीच हार में पहुँचा के आऊँगा इनको, तो मैं डीला मारता हूँ। हाँ ठीक है, लग गई। इनको रोज आते हैं भगाने, अब क्या करें यार भयंकर की। और नहीं आ रहे हैं तो पूरा गेहूं खा जा रहे हैं। एक तो वैसे ही फसल कम हल्की हल्की चल रही है, और ऊपर से ये खा जा रहे हैं यार, हद है कतई। तो हम भैया ग्वाला बन चुके हैं, ये है हमारी गन्ना लकड़ी और ये हमारे गाय, और हम तो बढ़िया हैं, आप बताएं। बहुत दूर तक आ गया मैं तो यार, देखो पूरी सीमा तक, और भयंकर मेरा खेत वो कहाँ रह गया, हद हो गई यार। भैया यार समझो यार कुछ, है ना। अब जे अचानक से कैसे आ गए हमारे यहाँ वो तो सब लोगों को पता है, और सब सब सभी जगह का यही हाल है। और कमेंट करके बताएं किस किस कौन कौन यहाँ पे ऐसे आता है भगाने को मेरे जैसे। यार क्या कहूँ, अब जो किसान लोग हैं, किसानों में भैया ये आजकल ये क्या कहते हैं, ये सांड, हाँ सांड लोग बहुत आ गए हैं। और हमारा ये डेली का यही काम है, इनको भगाओ। और अब भैया ये खाएंगे भी तो क्या खाएं, और खाएंगे तो खाली हमारा गेहूं खाएंगे तो नुकसान हमें ही है, है ना। तो इनके लिए गौशाला बनाए, सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ भैया, इतनी हमारी औकात नहीं है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, तो वो गौशाला बना सकते हैं इनके लिए। और हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा अपनी राय दे रहे हैं, और क्या बता दें यार, गाड़ी वहाँ खड़ी है, चाबी हमारे पास है बस। अब देखो वहाँ भेज के आ गया हूँ, उतनी दूर दिख भी नहीं रहा, ये है ये देखो ये, जो कहाँ जा मैं यार, बताओ यार, गौशाला होनी चाहिए ना इनके ताई, सही कह रहा हूँ ना। अरे पूरा देख रहे जो, पहले तो घनौर है, इतरो खाए गए है ना, क्या बताऊँ, जो यहाँ बैठ बैठ के देखो भैया। तो आज इनके बहु हार में बहु रोड में फेंक के आने हैं इनके, ठीक है, बहुत पांजर देख ली जाएगी थोड़ी देर में ना, तो सब घुस जाएंगे सारे, तो ये वो तो पांजर जा रहे हैं जे। जे कहाँ कहाँ जा रहे हैं यार, कद्दू से तो कौन बताओ ना, तो कौन बताओ, देख लो रेखावती से यार, कोई बताओ रे यार, मौका यार
उल्टा है ये उल्टा ज्यादा है तो मैं भगवान के आओ यार उल्टा हैंगर मेरी खेत में दलाव है कदी कहां यार। अरे यार बे सब ही तो ही भगाते यार तो मैं वो रोड में कर दे यार तो मैं क्या कह रहा हूं कि यार जो ऐसी फिर रहे ना तो वो तो सबको पता है कि गौशाला बनवाना चाहिए सरकार के अपन के पास इतनी तो हम हिम्मत है ना कि गौशाला बनवा दें तो हाँ बना रही है सब भैया बजट खा जा रहे हैं भाई उनके चोर तो है ही है। हाँ वो तो सबको पता है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं ना ये सब चोरी तो है तो अब क्या किया जाए ये यार तो वो ये हम जिंदाबाद क्यों बात हुए पहुँचाया वही तराई नगरा पहुँचाएंगे भैया है ना अब कोई की जला चाहे भुजाए है ना तराई नगरा भेजो इनके। हाँ यार क्या बताऊं तो भैया यार साला बनाओ भैया यार इनके मेर तो पूरा यहाँ पे गौड़ी जोड़े पड़े गौड़ी का मेर तो भैया वो कोनों में वो तीन मैं भगाया भाई भगा के लाओ मैं वो गया था पोका लाने वहां से तीन खड़े हैं यार खड़े चाहे पोका पी लो चाहे खेचू खवा लियो और क्या कहेंगे चाहे हगवा लियो भी हो पाँच छह चक्कर तो लग जाते हैं दिन में कितने चक्कर मारे थे मैं तो बहुत दिन में कल दो तीन चक्कर मारता है कहीं लगाओ तो लड्डू खा रही हो इसलिए खेत में ठीक है चलते हैं संजय खेने चक्कर और मारेंगे एक चक्कर और मारेंगे।